सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिजिटल वोटर आईडी कार्ड है और ये जो मैंने अभी तुरंत डाउनलोड किया है और पूरा जो है ये आपका डिजिटल है, यानी कि आपका कंप्यूटर द्वारा, मोबाइल द्वारा या फिर किसी भी डिवाइस द्वारा जो है आपका ये डाउनलोड किया हुआ है। ई ईपिक कार्ड भी इसको बोलते हैं, इसे इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, ईपिक कार्ड। तो आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि वोटर आईडी कार्ड को ऑनलाइन आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा जो है आपका यहाँ पे डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जिनका भी अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है वो कैसे कर सकते हैं, नए और पुराने दोनों वोटर आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा तरीका मैं आपको बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको जो है NVSP के पोर्टल पे जाना है और वहाँ उसको लॉगिन कर लेना है आपने। और लॉगिन कैसे करते हैं, कैसे आईडी बनाते हैं, जिसको पता नहीं है वो जो है कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा कि लॉगिन आईडी कैसे क्रिएट करते हैं। तो लॉगिन आईडी कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए अलग से वीडियो मैं बना दूंगा और बनाया हुआ भी है मैंने, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख के सीख लें। चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ से आगे कि आप वोटर आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, एक ब्लू, यहाँ पे ग्रीन है, आप देखिए ईपिक डाउनलोड, और यहाँ पर भी एक ब्लू में डाउनलोड ईपिक, इस पर क्लिक करेंगे तो भी आप वहीं भी पहुँचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, क्या आपके पास ईपिक नंबर है या फिर रेफरेंस नंबर है। तो मेरे पास ईपिक नंबर है तो मैं यहाँ पर ईपिक नंबर ईपिक नंबर देता हूँ। चलिए मैं एक नंबर देता हूँ यहाँ पर, सो मैंने यहाँ पे जो है डाल दिया है। यहाँ पे स्टेट मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, बिहार है, सर्च कर देता हूँ। सर्च करने के बाद चलिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए आपको आ रहा होगा नो रिकॉर्ड फाउंड फॉर गिवन ईपिक नंबर। तो यहाँ पे मैंने NUN नहीं डाला। चलिए आपको मेन चीज़ दिखा देता हूँ, उसके बाद जो है यहाँ पर स्टेट चूज़ कर लेते हैं, उसके बाद सर्च पे क्लिक करते हैं। तो देखिए ये पूरा जो है जिसका वोटर आईडी कार्ड है पूरा नाम यहाँ पे शो हो चुका है और रिलेटिव का नाम शो हो चुका है और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ है वो भी आपको यहाँ पे शो हो चुका है। मोबाइल नंबर जो जुड़ा हुआ है और ईमेल आईडी भी जो जुड़ा है, सारा यहाँ पर दोनों पता है यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर सेंड OTP पे क्लिक का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर जो आपका इसमें दिया हुआ है वो भी शो कर रहा है, उसके आखिरी 4 डिजिट शो कर रहे हैं। तो आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, OTP जो है भेजा जा चुका है, आप देख सकते हैं OTP आ गया है। यहाँ पर देखिए 148388 है। चल मैं वेरीफाई पर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर देखिए कैप्चा आपको डालना पड़ेगा। चलिए मैं कैप्चा डाल देता हूँ और यहाँ पर इस तरह से आप कैप्चा डालने के बाद डाउनलोड EEP पे क्लिक करेंगे और ये जो है आपका डाउनलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डाउनलोड फाइल अगेन, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले किया हुआ तो इसलिए अगेन पूछ रहा है, तो डाउनलोड अगेन पे क्लिक करेंगे और ये देखिए बैकग्राउंड में डाउनलोड हो गया है। यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो गया है, इसको मैं खोल लेता हूँ। ये देखिए यही है आपका जो मैंने आपको शुरू में दिखाया। तो इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी का भी डाउनलोड अगर जो नहीं हो रहा तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसको डाउनलोड करके बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।